शुरू करेंगे दिल्ली का, जहां पर सुप्रीम कोर्ट से जाट आरक्षण को लेकर बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जाट आरक्षण को लेकर जाटों को बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट से लगता हुआ नजर आ रहा है। हरियाणा में जाट आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस जारी हुआ है, जब 2016 में बने कानून को रद्द करने की मांग की जा रही है और 2016 के कानून पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने पहले से ही रोक लगा रखी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, याचिकाकर्ता ने एक याचिका दाखिल की थी और साफ तौर पर सवाल उठाया गया है कि जब 2014 में आरक्षण पर रोक लगाई गई थी तो फिर खट्टर सरकार 2016 में इस कानून को पारित करने की क्यों कोशिश कर रही है। बड़ा झटका जाट नेताओं को यहां पर लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार वो आरक्षण की मांग कर रहे हैं और इसको लेकर अब अगला कदम उनका क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। सुप्रीम कोर्ट से जाट आरक्षण को लेकर बड़ी खबर इस वक्त। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार से भी पूछा है कि आखिर किस वजह से इस तरह के कदम उठाए जाने की कवायद की जा रही है। तो जाट आरक्षण की मांग लगातार कर रही हैं जाट। और इसी खबर पर राजीव जेटली बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका टोटल न्यूज पर। हाँ जी धन्यवाद। सर सवाल यही है, सुप्रीम कोर्ट ने भी यही सवाल उठाया है, टिप्पणी करी है बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने और ये पूछा है कि जब 2014 में इस कानून पर रोक लगाई जा चुकी है तो अब 2016 में खट्टर सरकार या आपकी सरकार इसको लेकर क्यों आई है, क्या इसके पीछे रीजन है, क्या वोट बैंक की राजनीति इसको माना जाए, क्योंकि हरियाणा में जाटों का एक बहुत बड़ा तबका है। देखिए पहली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है और जवाब सरकार देगी। सुप्रीम कोर्ट ने केवल इतना पूछा है कि 2014 में जो आरक्षण खारिज कर दिया गया था, जो कांग्रेस सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करके दिया था, उसके बाद ये आरक्षण दोबारा से क्यों दिया गया, क्या आधार था इसका। क्योंकि अभी आपके चैनल पर चर्चा है तो मैं केवल इसलिए बात रखना चाहता हूँ जबकि सरकार अपना जवाब देगी। अब नोटिफिकेशन जारी कर नहीं दिया गया है, अब कानून बनाकर विधानसभा में उसे पारित किया गया है और हाईकोर्ट के अंदर इसके ऊपर मोहर भी लगी है। हाई कोर्ट ने इसे संवैधानिक भी करा दिया, लेकिन एक साथ में बात रखी गई थी कि इसमें परसेंट क्या रहनी चाहिए, कौन लोग होने चाहिए जो इस आरक्षण का के बेनिफिशियरी होने चाहिए, जिस बारे में सरकार अपना कार्य कर रही है और वो डेटा निकाल रही है। तो वही तो सवाल है कि जो बेनिफिशियरी होने चाहिए उनको अगर आरक्षण मिले तो ठीक भी है, क्या आपको लगता है, क्योंकि जिस तरीके से जाट की बात की जाती है, तमाम जमीन जायदाद वाले लोग कहे जाते हैं और हरियाणा में अच्छी खासी इनका एक तबका है, तो क्या आपको भी लगता है कि हरियाणा में जो जाट है उनको वाकई आरक्षण की जरूरत है, यही तो सवाल है। देखिए ओबीसी कमीशन गठित भी हमारी सरकार ने किया है, ओबीसी कमीशन का काम भी यही होता है जिस बारे में देखना कि कितने लोग ऐसे हैं जिनको इस आरक्षण का लाभ मिल सकता है और कौन से लोग ऐसे हैं जिन्हें आरक्षण की जरूरत नहीं है। संवैधानिक तौर पर जब सदन के अंदर बिल पास किया गया उसी के साथ साथ कमीशन का गठन भी किया गया, कमीशन अकाउंटेबल हो जाता है किसी भी बात को बताने के लिए, क्या ये वर्ग आरक्षण का हकदार है या नहीं है। तो ये कोई सरकार निर्धारित नहीं करेगी कि किसे आरक्षण मिलना चाहिए किसे नहीं मिलना चाहिए। लेकिन अभी तो हरियाणा सरकार ने जाट नेताओं को आश्वासन दिया है। चलिए आप बने रहिए हमारे साथ, दोबारा मैं आपके पास लौटूंगी। कृष्णमूर्ति हुड्डा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका टोटल न्यूज पर। और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है, जवाब मांगा है हरियाणा सरकार से, खट्टर सरकार से, कि भाई जब 2014 में इस कानून पर रोक लगा दी गई थी तो 2016 में इसको क्यों लेकर आया, आपको क्या लगता है कि वोट बैंक की राजनीति है? देखिए पहले तो मैं जो बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि हमारी सरकार ने तो वैसे ही कर दिया था, नोटिफिकेशन कर दी थी, नोटिफिकेशन नहीं थी, ये कैबिनेट का फैसला था और कैबिनेट का फैसला एज गुड एज जो असेंबली में पास हुआ होता है उसके बराबर होता है। कैबिनेट का फैसला होता है वो मान्य होता है, कैबिनेट जो भी फैसला करे उसका हर आदमी को मानना पड़ता है। अब ये गुमराह ना करे लोगों को कि हमने तो कानून बनाया था, कैबिनेट भी कानून पास बना सकती है, उसको बाद में रेटिफाई कर सकती है असेंबली में, लेकिन ये गुमराह ना करे उन लोगों को। दूसरा जहां तक ये है कि बीजेपी सरकार ने एक बार नहीं अनेकों बार जाट नेताओं को आश्वासन दिया है कि हम आरक्षण देने के पक्ष में हैं, अब सुप्रीम कोर्ट ने इनसे पूछा है, ये इनका जवाब दे देंगे, दैट्स ऑल। बिल्कुल बिल्कुल राजीव जी, आप सुन पा रहे हैं हमें, कुछ सवाल आपसे पूछ रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, कुछ सवाल जवाब कर रहे हैं कि आप गुमराह ना करें, जो भी आप आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस के राज में ऐसा हुआ था या तब ऐसा हुआ था, वो तो साफ तौर पर बच रहे हैं इस चीज से। देखिए एक तो कानूनी पहलू है जिसके बारे में मैंने बोला सरकार जवाब देगी और क्या जवाब देगी उसका थोड़ा सा आधार भी आपको बताया मैंने।
लेकिन अगर मैं हुड्डा साहब की बात को ध्यान से सुनूं और आप भी ध्यान से सुने, तो शायद ये कहना चाहते हैं क्योंकि इनके दिए गए आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया था, तो शायद इनका तात्पर्य ये भी हो सकता है दूसरा कि जाट आरक्षण, जाट समाज आरक्षण का हकदार ही नहीं है, तो आपने आरक्षण दोबारा से कैसे? आप गलत बोल रहे हो। नहीं, मैंने कभी नहीं कहा कि आरक्षण का हकदार नहीं है, हकदार है, बिल्कुल हकदार है। आप लोग बताइए, सुप्रीम कोर्ट की लोगों को नहीं नहीं, मैं एक बार बात छोटी सी पूछता हूँ, आरक्षण का हकदार नहीं है, आरक्षण के अधिकार है और उनको मिलना चाहिए। आप लोगों को गुमराह करते हैं और आप मुझे लॉलीपॉप नहीं दे सकते। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, आप कह रहे हैं कि आरक्षण मिलना चाहिए जाटों को। कृष्णमूर्ति जी, क्या पूछा आपने मेरे से? आप कह रहे हैं कि जाटों को आरक्षण मिलना चाहिए, आप इसके हक में हैं? बिल्कुल हक में है, हमारी सरकार ने पास किया था, कांग्रेस पार्टी ने पास किया था। ये लॉलीपॉप देते हैं और लॉलीपॉप देके उसको बाद में गुमराह कर देते हैं, करते कुछ है नहीं। अभी भी यशपाल मलिक को लॉलीपॉप देके उन्होंने अपना रैली का काम निकाल लिया, लेकिन रैली बड़ी भारी फ्लॉप हुई है इनकी। आप सब राजनीति कर रहे हैं, क्यों क्यों मिलना चाहिए जाटों को आरक्षण? अच्छी खासा तबका है जाटों का, आपको नहीं लगता कि जिनका लेवल थोड़ा डाउन है, जो शैक्षिक तौर पर थोड़े कमजोर है, उनको आरक्षण मिलना चाहिए? वास्तव में आरक्षण की जरूरत क्या है, क्यों है, आपको क्या लगता है? आप लोग सब वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं कि क्योंकि आपको लगता है जो कुछ भी हुआ है हरियाणा में उसमें बीजेपी की सरकार पर लगातार कटाक्ष किए जा रहे हैं, तो कांग्रेस की बारी हो सकती है? आप सब एक तबके को लुभा रहे हैं सिर्फ, और कुछ नहीं है। मुझसे पूछ रहे हो आप? जी, मैं आप ही से कह रही हूँ, आपको क्यों लगता है कि आरक्षण मिलना चाहिए जाटों को, क्या कमी है उनको? चाहिए कि जाटों के पास जमीन नहीं रही। जाट जो किसी के पास 10-15 किले जमीन होती थी, एकड़ जमीन होती थी, आज आधा आधा किला, आधा आधा एकड़ जमीन है, और वो कैसे, वो उस आधा एकड़ में कैसे गुजारा चलाएंगे? तो फिर ऐसे तो और भी तबके हैं, ऐसे तो कृष्णमूर्ति जी और भी बहुत तबके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सही सवाल उठाया है, जिस भी याचिकाकर्ता ने याचिका लगाई है कि इस तरीके से जो 2014 में बंद कर दिया, मुझे नहीं लगता ऐसा, क्योंकि और भी बहुत सारे तबके हैं, फिर तो सारे तबके आ जाएंगे कि हमको भी कमी है, हमारे पास भी जमीन नहीं है, हम भी अपना पालन पोषण नहीं कर पा रहे हैं, तो कितने विभाजन करेंगे आप हरियाणा के? देखिए, मैं तो ये कह रहा हूं कि आज जाट समुदाय ने जो मांग की है वो बिल्कुल जायज है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भी उस मांग को माना है, और लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है जाटों को, कहीं ना कहीं कभी हां भर देते हैं, कभी ना कर देते हैं, पब्लिकली सार्वजनिक रूप से हां कर चुके हैं, ये एक बार नहीं तीन बार हां कर चुके हैं, फिर अपने वायदे से मुकर जाते हैं। हम वायदे से मुकरे नहीं है, हमने जो हां भरी है हमने किया है, लेकिन ये लोग अभी भी एक चैनल पे लोगों को गुमराह कर रहे थे, मेरे बारे में कह रहे थे कृष्णमूर्ति उठा कर आगे, जरूरत नहीं, कौन कहता जरूरत नहीं है? आज जाटों को बड़ी सख्त जरूरत है आरक्षण की, आप कम से कम लोगों को गुमराह ना करें। बिल्कुल मिलाकर आप जनता पार्टी के लोगों की झूठ बोलने की आदत है। कुल मिलाकर आप बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी जाट नेताओं को और जाट का जितना भी समाज है उनको वो गुमराह कर रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कृष्णमूर्ति जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और राजीव जेटली जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए हैं, टिप्पणी की है, हरियाणा सरकार से जवाब मांगा है कि आखिर जब 2014 में इस बिल को बंद कर दिया था, इस कानून को रद्द कर दिया था, तो 2016 में खट्टर सरकार आरक्षण की मांग क्यों उठा रही है, क्यों जाट समुदाय को लॉलीपॉप दिया जा रहा है, क्यों नहीं स्थिति को साफ किया जा रहा है।